अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस करेंगे, जो कि एप्टीट्यूड ईकैट और एमकैट दोनों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के, जो कवर करेगा रिविजन, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कैपेसिटर। सबसे पहले बात करते हैं कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ कहता है लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, यानी अगर दो चार्जेस पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे और दो चार्जेस अगर नेगेटिव हैं तो वो भी रिपेल करेंगे, मतलब सेम साइन वाले चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा। और अगर आपको उन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करनी है तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान का, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। के हमारे पास है कूलम्स कांस्टेंट और क्यू वन क्यू टू है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। इन चार्जेस का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उनको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे फॉर्मूले से हमारे पास फोर्स आ जाएगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, और ये भाई साहब है जिन्होंने ये लॉ दिया था। अगर हमें किसी भी पार्टिकल का चार्ज निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला मौजूद है, जहां पर n हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1.6 एक्सपोनेंट -19 हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फर्स्ट कर लीजिए, किसी भी पार्टिकल का हमें चार्ज चाहिए तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना जरूरी है, एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। तो इस फॉर्मूले से सवाल निकलते हैं ई कैट और एम कैट के क्वेश्चंस में। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है वो उसकी तारीफ बताता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर है फोर्स अपॉन चार्ज के। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है फोर्स पर और चार्ज पर, चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स मौजूद है, चार्जेस कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये तारीफ बन गई किसकी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और अगर मैं यहाँ से यूनिट में निकाल लूँ उसका, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर हमें यूनिट का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, यूनिट का फोर्स हमारे पास है न्यूटन, चार्ज मेरे पास है कूलम, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट भी बन गया। और ये फॉर्मूले तमाम के तमाम एप्टीट्यूड के अंदर हमें दिमाग में रखने जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड डेरिवेशन की थी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर है के क्यू बाय आर स्क्वायर के, और एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि पॉइंट चार्ज ये रखते हैं और जैसे जैसे हम उस पॉइंट चार्ज को टेस्ट चार्ज से दूर लेके जाते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होती जाती है। बिल्कुल एग्जाम्पल इसी तरीके से ये है कि अगर आप आग के जितने करीब जाएंगे उतनी आपको आग की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे आग से वैसे वैसे उसकी शिद्दत कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनवर्सल लिंकेज से डिस्टेंस के स्क्वायर से, और ये डिस्टेंस किसके दरमियान है, चार्जेस के दरमियान। और लास्ट आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है, दैट इज वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टाइम्स एरिया। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के भी हमारे पास डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉस। और कॉस क्यों आता है, क्योंकि जब भी हम स्केलर की बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा कॉस आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा हम यूज करते हैं साइन। तो डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टाइम्स एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डेफिनेशन, या हम कह सकते हैं कंक्लूजन, जो हमने डेरिवेशन से निकाला था, डेरिवेशन बिल्कुल भी अब इम्पॉर्टेंट नहीं है एप्टीट्यूड के हवाले से, जाहिर सी बात है हमें उसका कंक्लूजन चाहिए होता डेरिवेशन का, जो कि गॉसेस लॉ से हमें मिला। गॉसेस लॉ ये कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस जिसके अंदर चार्ज मौजूद है, अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज से, अगर उसके पास चार्ज मौजूद है क्लोज सरफेस में तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। और डिपेंड भी कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
बराबर है। अब जाहिर है पोटेंशियल वोल्टेज को कहते हैं, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया तो यहाँ पर चार्जेस की बात हो रही हो, वोल्टेज बराबर है वर्क डन अपॉन चार्ज। वोल्टेज अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ वर्क डन किसी भी एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि जितना आप काम करते हैं वो सारा का सारा एटी एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं वर्क डन को बराबर लूँ वी क्यू के, तो ये एनर्जी भी कह सकते हैं इसे और वर्क डन भी कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है। कैपेसिटर, कैपेसिटर एक डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अमूमन ये डिवाइस इस्तेमाल होती है फैंस में और इसके अलावा बहुत सी मशीन में इस्तेमाल होती है, ताकि फैन अच्छा उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें बढ़ जाए और वो और तेज से रोटेट हो और तेज से हमें हवा एयर प्रोवाइड करे। अच्छा, अब एक कैपेसिटर आपके सामने मौजूद है, ये दो प्लेटें आपको दिख रही होंगी, इन दो प्लेटों का बड़ा किरदार है कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटेंस, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि एक गिलास है खाली पड़ा हुआ है, अब मैं उसके अंदर पानी भरते जा रहा हूँ मुझे ये पता है कि उसकी सलाहियत है एक गिलास की, तो उसमें उतना ही पानी जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से सलाहियत इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की, वो कहलाती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। और कैपेसिटेंस क्या है? सलाहियत इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की। इसका यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का? डेट इज फैरेड, जिसका सिंबल है कैपिटल एफ। फॉर्मूला, कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं? हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर टाइम्स एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। एरिया इन प्लेटों का, डिस्टेंस जो है वो भी इन प्लेटों के दरमियान का है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी आप देखें मीडियम, अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है फॉर एयर मीडियम, इन प्लेटों के दरमियान कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, तो हम कहेंगे इनके दरमियान एयर मीडियम है। तो जब भी एयर मीडियम हो कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही कोई और मीडियम आ गया, जैसे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कोई भी मटेरियल हम इन प्लेटों के दरमियान इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ फॉर्मूले में क्या तब्दीली आ रही है? एयर की जगह परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, ऑफ डैट मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस निकालेंगे किसके लिए? फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो ख्याल रहे कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ परमिटिविटी ऑफ मटेरियल हम अपने फॉर्मूले के अंदर डाल देंगे। बाय यूज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, देन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस। देखें, जब एयर मीडियम हम इस्तेमाल करेंगे तो कैपेसिटेंस इतनी नहीं बढ़ती जितनी के डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से डालने से बढ़ जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जैसे ही हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज करेंगे कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान, तो वैसे ही कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी कैपेसिटर की। और ये सवाल भी आता है एप्टीट्यूड के अंदर कि जब आप कैपेसिटर के दरमियान, प्लेटों के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? तो ये हम सवाल का जवाब है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हमारे पास दो कनेक्शन होते हैं कैपेसिटर के, दैट इज सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के अंदर मेरे पास चार्ज जो है वो सेम रहता है, क्योंकि इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट जो है सिंगल पाथ फ्लो कर रहा होता है, करंट रिमेन अनचेंज इन सीरीज कनेक्शन। नेट कैपेसिटेंस ऑलवेज लेसर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेरेड, दूसरे कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को जब मैं नेट कैपेसिटेंस निकालूंगा इन दोनों की, तो वो आएगी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम। और नेट कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। अगर हमें नेट कैपेसिटेंस निकालनी है तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को रेसिप्रोकल करके उन दोनों को ऐड अप कर देंगे, तो हमें नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगी। एंड नेट कैपेसिटेंस ऑलवेज लेसर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये पॉइंट हमें याद रखना है एप्टीट्यूड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने जाएंगे उसके अंदर भी, और चार्ज सेम रहता है, ये वाला पॉइंट तो हमें याद रखना है। पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज ऑलवेज रिमेन सेम। वोल्टेज बैटरी का
तमाम के तमाम कैपेसिटर में एक जैसा जा रहा होता है, चेंज नहीं होता। नेट कैपेसिटेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर फिर वही एग्जांपल लेते हैं, 4 माइक्रोफेरेट एंड 2 माइक्रोफेरेट कैपेसिटेंस है मानते हैं। जब मैं नेट कैपेसिटेंस निकालने जाऊंगा तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से नेट कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा आएगी, सीरीज में क्या होता है कम आती है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन के अंदर होगा ये कि ज्यादा आएगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी चेंज है। C बराबर है नेट कैपेसिटेंस बराबर है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का सम। तो इस बात का ख्याल रखना है हमें कि इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के बराबर है नेट कैपेसिटेंस पैरेलल कनेक्शन में। ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं और इन तमाम पॉइंट्स को हम इस्तेमाल करेंगे एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करने में ईकेड और एमकेड के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मजीद क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक, सब टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक वोल्टेज और सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन हमने डिस्कस किया। अब इसके पूरी थ्योरी को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये हम अप्लाई करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।